अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रश्मिका किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी बकरी स्पेशल की मामी सेवैया की रेसिपी। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। इमामी सेवई हमारे ईद की बहुत ही ख़ास डिश है और सेवई के बिना तो हमारा ईद बिल्कुल ही अधूरा होता है। सामने बकरी ईद आ रहा है और फ्रेंड्स, आप ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा कि इमामी सेवई को बनाकर खाने का। इमामी सेवई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। मैंने गैस पर एक स्टील का बर्तन बिठाया है और अभी मैं इसमें एक कप पानी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी डाला है और मैं यहाँ पर एक कप पानी के जगह पर मैं एक आधा कप चीनी डालूंगी। मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कप पानी के जगह पे आधा कप चीनी डाला। फ्रेंड, आपको अगर चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें चम्मच से चला गए चीनी के साथ पानी को मिक्स कर लेंगे और अभी मैं इसमें चार इलायची को तोड़ के डाल दूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची के जगह पे इलायची के पाउडर को भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चारों इलायची को तोड़ के डाल दिया है और अभी मैं चम्मच से चला के अच्छे से चीनी को पानी के साथ मिक्स कर लूँगी और अभी मैं यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पे जाफरन के पाउडर को डाल लूँगी और अच्छे से चम्मच से पानी के साथ मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास जाफरन का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर को भी डाल सकते हैं और अगर ऑरेंज फूड कलर भी ना हो तो आप इन दोनों को भी स्किप कर सकते हैं। अभी इसमें एक उबाल आने देंगे। अभी चाशनी में उबाल आ चुका है, हमें बस चीनी डिजर्व हो जाए इस तरीके का ही चाशनी चाहिए। हमें यहाँ पे एक तार और दो तार का चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी अभी रेडी हो गया है और अभी मैं गैस ऑफ करके चाशनी को गैस से उतार लूँगी। अभी मैंने गैस पर एक दूसरा बर्तन बिठाया है और मैंने अभी इसी बर्तन में तीन बड़े चम्मच देसी घी को डाल दिया है और अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 10-15 आलमंड को बारीक काट कर लिया है और यहाँ पर 10-15 काजू को भी बारीक काट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 10-15 किशमिश लिया है। तो इन सबको मैं अच्छे से चम्मच से चला के घी के साथ फ्राई कर लूँगी थोड़ा। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को लो रखा है और मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को गैस के लो फ्लेम पर ही रख कर फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे तो गैस के फ्लेम को लो ही रखिएगा, नहीं तो ये सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। अभी सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अभी मैं एक बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लूँगी। तो अभी मैंने एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को बाउल में निकाल लिया है और अभी मैं इसी बर्तन में और 2 चम्मच देसी घी को डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर देसी घी को डाला है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप बटर को भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने घी को डाल दिया है और अभी मैं घी में 1 बाउल रोस्टेड सेवैया को डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम रोस्टेड सेवैया लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपका सेवैया रोस्टेड ना हो तो उनको आप थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। तो मैं कंटिन्यू चम्मच से चला के 3-4 मिनट सेवैया को गोल्डन कलर तक होने तक फ्राई कर लूँगी और यहाँ पर मैं गैस के फ्लेम को लो ही रखूँगी और लो फ्लेम पर ही सेवैया को फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेवैया को फ्राई करें तब आप गैस के फ्लेम को लो रखिएगा, नहीं तो ये सेवैया जल्दी से जल जाएंगे। अभी मैंने अच्छे से सेवैयों को फ्राई कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर आलमंड और काजू का पाउडर को डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलमंड और काजू के पाउडर 4 चम्मच लिया है और अभी मैं इसको चम्मच से चला के अच्छे से सेवैयों के साथ मिक्स कर लूँगी और थोड़ा इनको फ्राई कर लूँगी।
तो अभी मैंने अच्छे से सेवैयों को फ्राई कर लिया है और मैंने जो चाशनी बना के रखा था अभी उसी चाशनी को मैं सेवैयों के ऊपर डाल दूँगी पूरा और चम्मच से अच्छे से इन सब को मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैंने अच्छे से चम्मच से चला के सेवैयों को पानी के साथ मिक्स कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच अमूल पाउडर को डाल दूँगी और अच्छे से चम्मच से चला के सेवैयों के साथ अमूल पाउडर को मिक्स कर लूँगी। इमामी सेवैयों को खाना हर कोई बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और स्पेशली ईद के दिन तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इमामी सेवैयों को खाने के लिए। अभी मैंने अच्छे से चम्मच से सेवैयों को मिक्स कर लिया है और अभी मैं एक ढक्कन से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी सेवैयों को। 3 मिनट हो चुका है और अभी मैं ढक्कन हटा के सेवैयों को चेक कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सेवैया पक चुका है और ड्राई भी हो चुका है। तो अभी मैं इसी टाइम पर मैं ड्राई फ्रूट्स को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं आधा ड्राई फ्रूट्स को डालूँगी अभी और आधा ड्राई फ्रूट्स को रख दूँगी बाद में गार्निशिंग के लिए। तो अभी मैं चम्मच से अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और सेवैयों को मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर ऐसे चला के गैस को ऑफ कर लूँगी और गैस से सेवैयों को उतार लूँगी। अभी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को सेवैयों के साथ और अभी मैं गैस ऑफ करके इसको उतार लूँगी गैस से। अभी मैंने गैस से उतार लिया है सेवैयों को और अभी मैं सारे सेवैयों को इसी प्लेट में डाल दूँगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेवैया पक चुके हैं और कितने अच्छे से ये खिले खिले सेवैया बने हैं। अभी मैंने सारे सेवैयों को प्लेट में निकाल लिया है और अभी मैं चम्मच की मदद से सेवैयों को प्लेट में थोड़ा सेट कर लूँगी और चारों तरफ थोड़ा फैला दूँगी। अभी मैंने प्लेट में अच्छे से सेवैयों को फैला दिया सेवैयों के ऊपर मावा से गार्निश कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर घर का बना हुआ मावा से गार्निश कर रही हूँ और फ्रेंड इसका भी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैंने मावा से गार्निश कर लिया तो अभी मैं ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर लूँगी। तो ड्राई फ्रूट से मैंने थोड़े आलमंड, थोड़े काजू और थोड़े किशमिश और थोड़े चेरी फल लिया है। तो अभी देखिए मैंने ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड, बनके रेडी हो गए आप बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बकरीद स्पेशल इमामी सेवैये की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ईद के दिन आप ज़रूर इसको बनाइए और ख़ुद खाइए और अपनों को खिलाइए और अपने ईद को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाइए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड, फिर से कोई नई रेसिपी का वीडियो लेके आऊँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।